महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में NSUI और ABVP ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हुए जल्द परीक्षा कराने की मांग रखी है। विद्यार्थियों का कहना है कि समय पर परीक्षा नहीं होने पर विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता बनी हुई है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही विद्यार्थियों का भविष्य खराब कर सकती है। NSUI के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष भगवान सिंह ने बताया कि हाल ही में रीट परीक्षा आयोजित की जानी है, लेकिन विश्वविद्यालय में BEd के एग्जाम अब तक नहीं हुए हैं। ऐसे में वह परीक्षा देकर भी वंचित रह सकते हैं। वही लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं भी अब तक नहीं हुई है। कई विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया है, सभी विद्यार्थी इसे लेकर चिंतित है। इसके साथ ही पानी, टॉयलेट, सफाई सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर भी कार्यवाहक रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया है। विश्वविद्यालय में कई पोस्ट खाली पड़ी है, जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर जल्द कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आज हम विश्वविद्यालय में इस समस्या को लेकर आएंगे। एक तो जो अभी रीट के एग्जाम होने वाले हैं, रीट की परीक्षा है सितंबर में, और लेकिन जो BEd के फाइनल वाले छात्र हैं उनके अभी तक ना एग्जाम फॉर्म भराए नहीं गए, ना उनकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। अगर उनके टाइम पे एग्जाम परीक्षा तिथि नहीं घोषित होते हैं तो अगर वो रीट का पेपर भी दे लेते हैं और रीट में सिलेक्शन भी जाते हैं तो भी उनको थर्ड ग्रेड में उनके सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके रीट के एग्जाम से पहले उनके रिजल्ट के लिए नहीं होगा, ना उनकी परीक्षा होगी। साथ ही जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके भी एग्जाम की तिथि जल्दी घोषित कराया जाए, क्योंकि अन्य कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अगर अभी तक इन्होंने तिथि घोषित नहीं की है, तिथि घोषित करेंगे उसके बाद एग्जाम कराएंगे, एग्जाम कराने के बाद में फिर उनका रिजल्ट आएगा, जब तक वो अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन हो चुके होंगे और बच्चा अपने जिस क्लास में प्रवेश चाहता है, जैसे कोई PhD करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, MSc करना चाहता है, उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर इस चीज़ को ज्ञापन दिया है कि महाराणा प्रताप में जहाँ बाहर से बच्चे आते हैं, डेली बच्चे आते हैं, कम से कम 300 से 400 बच्चे आते हैं, उनके कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है और उनको पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। खासकर लड़कियाँ आती है, महिलाओं के लिए आती है, उनको शौच की प्रॉब्लम होती है, वहाँ टॉयलेट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कराए जाए। रजिस्ट्रार से हम मिले हैं अभी, जो जिनको कार्यभार दिया हुआ उनसे मिले हैं, बागेश सोनी जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन में काम करेंगे, अगर 2 दिन में हम कार्य नहीं करते तो हम उससे बड़ा आंदोलन करेंगे और MDS का गेट बंद करेंगे, उन पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के लिए आज हमने सभी साथ वगैरह आए, हमने गेट वेट बंद किया है। साथ में गेट बंद करने के बाद हम शांतिपूर्वक बाहर बैठे रहे। बाहर बैठने के बाद हमने रजिस्ट्रार महोदय को बाहर बुलाया, जो सबके सामने आए, ताकि बच्चों को भी हो सके। अगर हमें अंदर बुलाया गया, हम अंदर नहीं गए, हम खुद सब बाहर आए, सबके सामने हमने बात की सबसे, और बच्चों को भी उनसे आश्वासन मिला है। भगवान सिंह चौहान, NSU जिलाध्यक्ष, अजमेर। आज MDS में जल्द से जल्द परीक्षा कराने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसमें BEd और LLB और सेमेस्टर परीक्षाएं जल्द से जल्द कराई जाएं, इसके लिए हमने सभी छात्र नेताओं ने मिलकर ज्ञापन दिया गया। दिनेश चौधरी, ABVP। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।